नमस्कार साथियों, किसानों, भाइयों, बहनों, मैं फिर लेकर आया हूँ वीडियो में कुछ नया। हर बार की तरह इस बार भी आपको मैं मक्का खेती इसकी सही तरीके से करे और भरपूर उत्पादन प्राप्त करे के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप मक्का की खेती चाहे बारिश में करें या गर्मी के मौसम में करें या अभी जो सीज़न चल रहा है फरवरी का, फरवरी में करें, आपको 90 से 120 दिन में बम्पर उत्पादन मिलेगा। आप वीडियो को संपूर्ण तरीके से पूरा देखें। यह वीडियो मैंने अन्य जगह से ली है, उसके लिए क्षमा करें, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें। स्मार्ट खेती चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना न भूलें। घंटा जो आपको नीचे दिख रहा होगा कृपया दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। घंटा दबाने पर आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्री में फोकट में वीडियो में जो बनाता रहूँगा, अपडेट करूँगा, डालता रहूँगा, तो आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। किसान कॉल सेंटर पर आप कॉल करके मुफ्त में फ्री सेवा ले सकते हो। यह हमारे देश का निःशुल्क नंबर है 1881551। आप 24x7 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो और मुफ्त में फोकट में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी जो कि आपको देना चाहूँगा, मक्का का बीज अच्छा तरीके से चयन करें, उसमें कीट रोग की न बढ़े, इसलिए आप उसमें कार्बन डाइजिंग करके साफ करके पाउडर आता है मार्केट में, मिलता है साफ, आप ले ले और उसमें मिला 1 ग्राम प्रति किलो, आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और जड़ गलन रोग जो भी होता है वह नहीं बन पाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में दस्तक सही दूरी पर बोए मक्का, मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, लंबाई में उन्हें चाहिए कि वो वैज्ञानिक संस्तुतियों को आपस मिलाकर और चौड़ाई में 1 फीट का गला रखें, जिससे आपका कोल्पा आसानी से निकल जाए। जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। तो आपको हमारे किसान भाई इस समय अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें उन्हें विभिन्न प्रकार की फसलों की बोनी करना है, खरीफ की कई फसलें हैं। यदि हमारे किसान भाइयों के पास जमीन हल्की है जहां पानी का ठहराव नहीं होता है, ऐसी जमीन में हम धान्य फसलों में मक्का मुख्य रूप से उगा सकते हैं और ये इस मौसम की सबसे अच्छी फसल उत्पादन देने वाली है। ये आजकल ऐसा देखा गया है कि जहां जिन क्षेत्रों में सोयाबीन लगाई जाती थी वहां पर अब सोयाबीन के पिछले 3 वर्षों से लगातार उसमें हानि की संभावना बनी रही है और हानि होती रही है, इसलिए हमारे किसान भाई सोयाबीन के विकल्प के रूप में हम उनको ये अनुशंसित करेंगे कि वो मक्का की खेती करें। खेत की तैयारी की जो हमने पहले से जो तैयार कर लिया है, जैसे खेत में विशेष बारीक करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सामान्य खेत की तैयारी में उसको कम से एक बार जुताई करके 2 बार डिस्क लगाकर ढेले फोड़ लें, समतल कर लें, जिससे पानी का भराव न होने पाए और उसके बाद बोनी करें। इनमें पोषक तत्वों का भी विशेष तौर से ध्यान रखना होता है और ये पोषक तत्व नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में इनमें देना होता है। 60 किलो फॉस्फोरस और 100 किलो नाइट्रोजन की रखी जाती है। इसमें 30 किलो पोटास और 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो नाइट्रोजन की मात्रा बोनी के समय डालें। इसके बाद की 60 किलो बची हुई मात्रा को 2 भागों में विभाजित करके हमें दें। बोनी करने से पहले हमें इनकी प्रजातियों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा और इन फसलों में जीएम 216 एक मुख्य प्रजाति है जो कि अधिक तरह किसानों के बीच में प्रसिद्ध है। दूसरी है HQPM1, एक जो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से जानी जाती जो नंबर 1 है। दूसरी इसकी HQPM5 भी एक प्रजाति है जिससे अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 भुट्टे का लगाव होता है और 2 भुट्टे उसके अंदर आते हैं। इस तरीके से इन प्रजातियों में आवश्यकता अनुसार अपनी परिस्थितियों के अनुसार चयन कर सकते हैं और इनकी बोनी आज के समय में भी हम सूखी खेतों में जहां पर अभी वर्षा शुरू नहीं है वहां कर सकते हैं, जहां वर्षा शुरू हो जाती है वहां भी हम इसकी बोनी शुरू कर सकते हैं। इसकी जब बोनी करते हैं इससे पहले हमें इनमें बीज की मात्रा और बीज के उपचार का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जब बीज के मात्रा जो होती है 20 किलो से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और इसको बीज उपचार करने के लिए थायरम और बेविस्टीन 2 दवाएं के मिश्रित दवाएं भी हैं और इससे दोनों से अलग अलग दवाएं 1 ग्राम बेविस्टीन और 2 ग्राम थायरम मिलाकर इसका बीज उपचार करें, जिससे इसमें किसी प्रकार की बीमारी आगे ना आने पाए।
ये बीज की मात्रा समान रूप से हमें सीडिल या सीडिल में लगी हुई पंजी जो कि कूण मेण पद्धति के काम में आती है उससे बोनी कर सकते हैं। कतारों से कतारों की दूरी में हमें अगर वास्तव में HQPM 5 जैसी प्रजाति लेना है तो 50 सेंटीमीटर बोनी करें, और सामान्य छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं जिनकी दूरी हम 30 से 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि हमें मध्य जुलाई के बाद बोनी नहीं करना चाहिए। ये बोनी हमें किसी भी हालत में प्रथम सप्ताह में ही पूरी कर लें। परंतु इसमें एक और विशेष बात है कि बोनी करते समय यही काम पूरा कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि बाद में खरपतवारों का प्रकोप होता है। इसलिए जैसे ही बोनी करें हम पेंडी मिथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें जो खरपतवारों का अंकुरण होता है वो नहीं होने पाता और फसल निर्विवाद बढ़ सकती है। निदाई गुड़ाई के लिए जो पौधे हैं उनको बराबर सपोर्ट सहयोग देने के लिए उसके अंदर इन पर मिट्टी चढ़ाएं, कुल्फा चलाएं और हाथ से खुरपी से किसी तरीके से निदाई कर सकते हैं, जिससे नींदा भी निकल जाएंगे, मिट्टी चढ़ जाएगी और हवा का जो आवागमन है जड़ों के बीच में एयरेशन पर्याप्त हो सकेगा और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। पर्याप्त समय और साधनों के साथ में खेती करते हैं उन्हें अच्छा उत्पादन, जिसमें 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलने की संभावना होती है और हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, फिर मैंने आपको इस बार भी दी मक्का की संपूर्ण जानकारी। इस प्रकार मैं रोजाना एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके पास पहले वीडियो पहुँचे मेरा यही ध्येय। और जय जवान जय किसान कदापि बोलना न भूले, जय जवान जय किसान। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वीडियो हर बार की तरह सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक तो करना भूले ही नहीं। आखिर में कहूँगा धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा और सहयोग दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बहुत सारे आंसर क्वेश्चन पूछे मैंने।